Assalamu alaikum. So, dear panelists, welcome on the stage. As Atiq already told you, I am Huma Mahmood Bukhari. I am working as a Deputy Chief Manager, State Bank of Pakistan, BSE. And I am very passionate about financial inclusion and sustainable financial inclusion and innovation and transformation of technology. But we are today, we are here to just see that what State Bank is doing as a financial sector regulator and what other stakeholders are doing in the field. So we may come to the some conclusion at the end or some solution that in which direction we are moving. And now I will welcome my participants one by one. जी तो स्टार्ट करते हैं फैजान लगारी साहब. फैजान लगारी हैज़ द 21 इयर्स मोर देन 21 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. ही इज़ द हेड इनक्यूबेशन NIC एंड ही इज़ वेरी मच पैशनेट अबाउट इनक्यूबेशंस एंड ही हैज़ अ वेरी रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड आल्सो ट्रेनिंग द रिसोर्सेज एंड मूविंग देम टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. थैंक यू सो मच. प्लीज हैव अ वार्म वेलकम फॉर फैजान लगारी. जी द सेकेंड पैनलिस्ट इज़ डॉक्टर सलीम. डॉक्टर मोहम्मद सलीम इज़ आर कोलीग एट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. हिज एरिया ऑफ एक्सपर्ट्स रेंजेस फ्राम SMEs, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग फाइनेंस एंड ही वॉज द ही वर्क रियली वेल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ मैनी पॉलिसीज. बहुत सी स्टेट बैंक की पॉलिसीज बनाने में इनका बहुत हाथ रहा. स्पेशली इनकी एक्सपर्टी है कि सऊदी मॉर्गेज रीफाइनेंस कंपनी में भी ये एज फाउंडर CEO ही वर्क एज फाउंडर CEO ऑफ सऊदी मॉर्गेज रीफाइनेंस कंपनी और पाकिस्तान मॉर्गेज रीफाइनेंस कंपनी में भी इन्होंने फाउंडर CEO की तरह से काम किया. थैंक यू डॉक्टर सलीम. अच्छा वन इंटरेस्टिंग थिंग ही हैज पब्लिश्ड मैनी आर्टिकल्स एंड द नेम ऑफ इस बुक इज कैन यू प्लीज रिकॉल. माई बुक इज ऑन प्राइवेटाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर. बेसिकली इस बुक में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ सेटिंग मैकेनिज्म जो है वो प्रपोज किया गया है. दिस बुक इज़ अवेलेबल ऑन amazon.com. इट्स अवेलेबल फॉर सेल. थैंक यू डॉक्टर साहब. सो वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर मोहम्मद सलीम. सो द थर्ड पैनलिस्ट इज शोकत बजिंजो. शोकत बजिंजो इज द एडिशनल डायरेक्टर हु ओवरसी द ओवरसाइट डिपार्टमेंट डिवीजन ऑफ पेमेंट सिस्टम डिपार्टमेंट. And he is the transformation expert from State Bank side. He has worked really for the transformation of technology, for innovation, for payment system support, for security of cyber crimes, etc. So he is the relevant person for the forum. Thank you so much, Shokat Saab. Bahut shukriya. Now, the Zahir Saab, if I'm pronouncing rightly, the Zahir Saab. Zahir Saab is the head innovation UBL, and he's also executive vice president there. And his area, almost the same thing that we have invited a blend of panelists, but the area is innovation, technology transformation, and he's also the experience of working at multinational level in the other countries, Middle East, Europe, etc. And very well, very warm welcome to Zahir Saab as well. And last but not the least, ye Mohammed Ijaz Sahab, jo tashreef laye hain, Reed Dolmenwal, Arif Habib Investment ki taraf se. और ये प्रॉपर्टी टाइकून हैं जनाब. और इनका आज के दिन आना हमारे लिए प्रॉपर्टी का एक बहुत अच्छा इजाफा है. टेक्नोलॉजी से क्या कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे इस फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं, दूसरे लोगों के डेवलपमेंट में कैसे पार्ट ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. वेरी वार्म वेलकम. प्लीज़ थैंक यू. सो द डिस्कशन इज़ ओपन. फैजान लगारी साहब, so can you please tell us about your, based on your experience, that how IT is serving to increase the skill set of entrepreneurship and how you are using this forum for their further success and development as a technology entrepreneur. So dekhen ab IT jo hai na wo ek alag cheez nahi hai. IT is a part of any kind of field. aap agar health mein jaye, education mein jaye, construction mein jaye, abhi property ka convention, but it's prop tech, so यू कॉन्ट डू विदाउट इट. जो फ़ायदा हमें होता है ना वो क्या होता है, फ़ायदा हो जाता है कि पहले हमारे पास बहाना होता था कि आई एम अनअवेयर ऑफ सर्टन थिंग्स, मुझे सीखने का मौका नहीं मिल रहा, मेरे पास वो इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो ट्रेनर नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो बट राइट नाउ IT इज़ अ ग्रेट इक्वलाइजर फॉर एवरी वन. वाई? बिकॉज मैं यहाँ पर बैठ के वही नॉलेज अटेन कर सकता हूँ, वही ट्रेनिंग मैं ले सकता हूँ, वही काम मैं कर सकता हूँ जो समबडी इन अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री इज़ एबल टू डू. उसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज चीप है,
अगर मैं वही एजुकेशन तमीज से अक्वायर कर सकता हूँ तो आई कैन स्टिल कम्पीट विद समबडी सिटिंग अक्रॉस द टेबल दैट इज मच मच रिचर देन आई, मच मोर एक्सपीरियंस देन आई, मे बी फ्रॉम अ बेटर बैकग्राउंड. तो आई थिंक आईटी इज समथिंग जो अब एक पुरानी सोच होती थी कि जी आईटी एक अलग कोई पेशा है, आईटी एक पेशा नहीं, इट्स पार्ट ऑफ ऑल ऑफ आवर लाइव्स नाउ. सो आई थिंक दैट इज हाउ इट इवॉल्व्स एवरीथिंग एवरी वर्टिकल. थैंक यू एंड thank you Mr. Dr. Saleem. We twist our discussion toward financial inclusion as he is the expert of financial inclusion working in SMEs, and now I'd like to ask him that what State Bank is doing in this regard, especially for developing the SME sector with respect to IT industries. Thank you Huma. I will relate your question to our first session jo aaj hua hai. आई रियली ग्लैड टू सी कि जी हमारे यहाँ यंग लोग जो हैं वो बड़े इनोवेटिव सॉल्यूशंस और एप्लीकेशंस के साथ आए हैं. वी मेट स्टार्टअप्स एज वेल. लेकिन एक डाटा है जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि रिसर्च ये कहती है कि जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, ये इनक्यूबेशन सेंटर्स बनाते हैं हम, ये इनक्यूबेटर्स होते हैं, सॉरी टू से 90% जो है ना ये विद इन 5 years फेल हो जाते हैं. और फेल होने की जो मेन रीज़न होती है वो क्या होती है कि इनको राइट टाइम पे एक्सेस टू फाइनेंस नहीं मिलता. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी ये हमारे इतने इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं ये फेल हो जाते हैं. तो हेयर देर इज़ ए नीड अ रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक एज वेल एज द कमर्शियल बैंक जो हमारे यहाँ या मौजूद हैं. तो वी आर हेयर टू सपोर्ट दीज इनोवेटिव आइडियाज़ एंड द प्रोजेक्ट्स थ्रू स्पेशलाइज स्कीम्स. और जैसे कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट बैंक पाकिस्तान को, जो कि सेंट्रल बैंक भी है, रेगुलेटर भी है, और ट्रस्ट मी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ प्लेइंग ए डुअल रोल, जहां हम मॉनेटरी पॉलिसी, फंड रिजर्व्स मैनेजमेंट, पब्लिक डेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, वहां हम इकोनॉमिक ग्रोथ और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं. दैट्स वाई वी आर हेयर टूडे. We are here to support startups, we are here to support IT companies, we are here to support housing and real estate sector as well. So this is our dual role State Bank is playing. Coming to direct answering your question, okay, what State Bank is doing to promote financial inclusion. State Bank is doing three types of role, the key features what we are doing. Number one is we trying to build a market for SME sector, housing, agriculture, Islamic banking, through introducing different policies, procedures, creating enabling environment. And ultimate goal is to promote financial inclusion. And second steps are the measures we are taking is we are also introducing specialized schemes. Because we believe that agar humne in key priority sector, jisme SME hai, IT hai, freelancers hai, housing hai, इनको प्रमोट करना है तो वी हैव टू बिल्ड अफोर्डेबल फाइनेंसिंग फॉर दीज सेक्टर्स एज वेल. तीसरी चीज़ जो है वी आर डूइंग अवेयरनेस सेशंस, कैपेसिटी बिल्डिंग्स फॉर द कमर्शियल बैंक्स एंड आवर एम्प्लॉयज एज वेल एज अदर स्टेक होल्डर्स एज वेल. तो क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं और SMEs के लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ मैं शेयर करूँ कि वी आर ट्राइंग टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सेस टू फाइनेंस थ्रू डिफरेंट स्कीम्स. तो उसमें सिर्फ मैं 3 स्कीम्स का जिक्र करना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ, और ये स्कीम्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल भी हैं, उनके फीचर्स भी आप देख सकते हैं. तो जो स्टार्टअप्स यहाँ अवेलेबल हैं उन्होंने भी इनडायरेक्टली मेंशन किया है फंडिंग का. तो अगर उनको एक्सेस टू फाइनेंस का इशू है, कैपिटल का इशू है, वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो हमारी वर्किंग कैपिटल की SME स्कीम है, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं. और इस पर आपको जो है एक रीज़नेबल अमाउंट लोन की मिल जाएगी थ्रू कमर्शियल बैंक्स. और ये सब्सिडाइज स्कीम्स हैं जो उस पर वर्किंग कैपिटल का है वो तकरीबन 7% पे आपको मिल जाती है. इसी तरह से आप यंग लोग हैं तो प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम है, उसमें 3 कैटेगरीज हैं. फर्स्ट कैटेगरी में 5 लाख तक का लोन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर कोई मार्कअप नहीं है. जो कैटेगरी 2 और 3 है उस पर जो है तकरीबन 7.5 मिलियन का आपको लोन मिल सकता है, और 7% जो है उस पर मार्कअप है. तो मार्केट रेट जो है तकरीबन 30% चल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 22% आपको इनडायरेक्ट सब्सिडी मिल रही है. इसी तरह से वुमेन एंटरप्रेन्योर है, यहाँ पे वुमेन इंटरप्राइजेज भी आई और उन्होंने भी प्रेजेंटेशन दी है. उनके लिए खुशखबरी यही है कि हमारी SME वुमेन इंटरप्राइज की स्कीम है जो 5% पे आपको फाइनेंसिंग दे रही है.
5% पे आपको फाइनेंसिंग मिलती है, और इसमें रिसेंटली जो है वो कोलेट्रल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी ख़त्म हो गई है। यू हैव टू शो योर बिजनेस केस, बिजनेस प्लानिंग जो भी है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, आपको बहुत इजीली लोन मिल जाएगा। थर्ड जो है वो साफ स्कीम है या आसान एसएमई स्कीम है, उस पर आपको 10 मिलियन तक का लोन मिल जाता है, और ये इसका जो मार्कअप है ये 9% पे है। तो ये भी एक बहुत ही ईजीली आपको जो आपकी फंडिंग है, फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है, उनको मीट कर सकती है। तो द आंसर इज कि थ्रू दीज मेयर्स स्कीम्स हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को और एक्सेस टू फाइनेंस को प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलीम, वेरी वंडरफुल आइडिया। आई थिंक सब लोगों के लिए बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, और आप लोग जो कि अपने बिजनेसेस लॉन्च कर रहे हैं और थोड़े से प्रोग्रेसिव स्टेज में हैं, तो श्योरली आप लोग इन स्कीम्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू जी। शोकत साहब, जैसे कि आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि आप बिजनेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन पे स्टेट बैंक में काम करते हैं, अब क्या देखते हैं, फिनटेक आ गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस आ गई, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए, अब एक ट्रेडिशनल बैंकिंग जो कि पहले से होती है, और अब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बैंकिंग, क्या चैलेंजेस हैं, स्टेट बैंक क्या इसमें कर रहा है? जी उमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं थोड़ा डॉक्टर साहब की बात में एक दो चीज़ें शेयर भी कर लूँ, फिर इसको आगे बढ़ाऊँगा। जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आती है तो एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, स्टेट बैंक का, जो हमारे की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, चाहे वो SECP हो, चाहे PTA हो, मिनिस्ट्री ऑफ IT हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो, इनका एक की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, इनका की ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट हमने नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी लॉन्च की थी 2015 में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके हमें ऑनर्स थे, उसको ड्राइव कर रहे थे। 2018-19 को उसके टारगेट को रिविजिट किया गया था, उसमें वुमेंस के भी टारगेट दिए गए थे कि वुमेंस की कितनी, अराउंड 50 मिलियन के टारगेट दिए गए थे, उनको भी एक्सेस टू फाइनेंस होनी चाहिए। 2019 में एक बड़ा जायंट लीप आया जब वर्ल्ड बैंक और स्टेट बैंक ने मिलकर नेशनल पेमेंट सिस्टम स्ट्रेटजी लॉन्च की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक के रोड मैप के लिए। अच्छा, वो एक की डॉक्यूमेंट रहा स्टेट बैंक का, आज तक भी है। जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर द बिग एनिमल, उनको जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आप समझते हैं कि आप इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। बहुत से वर्ल्ड के इवन द की एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, जैसे सिंगापुर की एग्जांपल आती है, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो सारे ड्राइव कर रहे होते हैं डिजिटाइजेशन के, ड्राइव को उनके मिनिस्टर्स भी होते हैं। बीच में हमारे पाकिस्तान में भी एक ऐसा लम्हा आया था कि एक डिजिटल का मिनिस्टर बन रहा था। तो बहरहाल उस NPSS स्ट्रेटजी में ये रहा कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक मेजर हमारा एरिया है, अराउंड 75 उसमें एक्शन आइटम्स हैं, वेरियस उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेट बैंक है, APR है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, स्टेट बैंक के बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमारा जो RTGS का सिस्टम बना हुआ है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, जो डे इन पे पूरी इंडस्ट्री का एक आपको क्लियर पिक्चर आ रही होती है फाइनेंशियल इंडस्ट्री की, उसका एक एडवांस वर्जन ATS के नाम से उस पर काम हो रहा है, ऑटोमेटेड ट्रांसफर सिस्टम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसने बड़ी ट्रैक्शन भी गेन की है, RaaS, जो हमारा रिटेल का पेमेंट सिस्टम का प्लेटफॉर्म है। RaaS में हम क्या करें, प्लग एंड प्ले कर रहे हैं, जिसमें जितनी भी एंटिटीज़ हैं, बैंक्स हैं, MFBs हैं, गोइंग फॉरवर्ड जो हमारी EMIs हैं रेगुलेटरी एंटिटीज़ में, वो सब ऑनबोर्ड होंगे। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जो नॉन रेगुलेटरी एंटिटीज़ हैं उनके लिए भी स्टेट बैंक काम कर रहा है, कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लें ताकि जो फिनटेक्स जो नॉन रेगुलेटरी एंटिटीज़ में काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक वर्क अराउंड की जाए, उनके लिए एक क्या कहते हैं प्रोसेस बनाई जाए, वो भी इसमें आ जाए। ये RaaS हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारा ट्रैक्शन था, और आपको ये सुन के खुशी होगी कि एज ऑफ डेट RaaS ने जो ना मोर देन 32 मिलियन RaaS के IDs डेवलप हो चुके हैं 2021-22 के बाद से, और इसमें जो वॉल्यूम्स एंड ट्रैक्शन हैं मोर देन 3 ट्रिलियन के वॉल्यूम्स जो वैल्यूज ऑफ ट्रांजेक्शन हुई अभी तक एज ऑफ कम्युनिटी। तो RaaS के अलावा हमारा लीगल रेगुलेटरी सिस्टम, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी लॉज हैं वो बहुत पहले के बने हुए हैं। इवन हमारे पेमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007 का है, आई थिंक सिंगापुर का 2019 का है, और इंडिया और श्रीलंका बांग्लादेश उन लोगों ने अभी हमारे दिनों में किए थे 2007, लेकिन उन लोगों ने कुछ बाद में इंटरवेंशन की है। तो एक हमारा वर्ल्ड बैंक का कंसल्टेंट इंगेज है जो पूरी लॉ को हमारा जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं जिनकी उस पर बिल्कुल ही वो नहीं है, मेंशन नहीं है, तो उनके लिए भी इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली, ताकि हम चाहते हैं कि फर्स्ट एंड फॉर्मोस्ट जब लॉ में आपकी चीज़ें आ जाती हैं तो उससे पॉलिसीज या SOPs रेगुलेशन बनाना आसान हो जाती है। तो उस पूरे लॉज पे काम और चल रहा है हमारा।
एग्जिस्टेंस जो हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, एक हमारे PSO PSP का बना था। अच्छा, जितने भी रेगुलेशन बन रहे हैं उनका की ऑब्जेक्टिव, क्योंकि टिल 2007 पाकिस्तान में बैंकिंग इंडस्ट्री जो ट्रेडिशनल बैंक काम कर रहे थे, आई एम सॉरी मैं सर डाइवर्ट कर गया, जो ट्रेडिशनल बैंक काम कर रहे थे, स्टेट बैंक ने क्या किया, PTA के साथ मिलकर ब्रांचलेस बैंकिंग प्रपोजिशन लाया। ऑब्जेक्टिव ये था कि टेक्नोलॉजी को लिवरेज किया जाए और PTA एंड स्टेट बैंक मिलकर एक ज्वाइंट एक मैरिज हुआ था और टेलकोस का और बैंक्स का, उसमें एक अच्छी प्रपोजिशन आ गई जो आज हम इजी पैसा का नाम सुनते हैं, जैज कैश का नाम सुनते हैं, अराउंड 14+ जो एंटिटीज हैं वो सारे उसी ब्रांचेस बैंकिंग की, जिसका लास्ट जो वर्जन था 2019 में आई थिंक लॉन्च हो चुका है रेगुलेशन का, क्योंकि स्टेट बैंक में कभी रेगुलेशन स्टैटिक नहीं, वो डायनेमिक इवॉल्विंग होते हैं। उसके बाद स्टेट बैंक ने एक और बड़ा एक्सपीरियंस किया था PSO PSPs का, कि प्योरली टेक्नोलॉजी फर्म्स को गेटवेज लाया जाए। आज जब अवांजा का नाम सुनते हैं वो स्टेट बैंक का रेगुलेटरी एंटिटी है, आप निफ्ट का नाम सुनते हैं वो भी स्टेट बैंक का ई कॉमर्स गेटवे का हमारे प्लेटफॉर्म है, VRG का नाम सुनते हैं वर्चुअल रिमिटेंस गेटवे, वो स्टेट बैंक का प्लेटफॉर्म है जिसको हमने लाइसेंस किया है। उसके अलावा कपल आप और भी हैं, किसी का नाम मिस कर रहा हूँ, कोई कॉलीग यहाँ बैठा है तो मुझे प्लीज़ एक्सक्यूज कीजिएगा। लेकिन उसमें गेटवे में जस्ट ये ट्रांसफर प्रोसेस अथोराइज एंड राउट द ट्रांजेक्शन, दे कांट बी द कस्टोडियन ऑफ फंड्स। और आज के दिन में हमारे गेटवेज ने बड़ी एक बहुत जो बिलर्स का है हमारी जितनी चाहे वो वाटर के बिल हों, बिजली के हो, सारी मैं वनलिंक का अगर एग्जांपल दूँ, वनलिंक हमारा एक PSO PSP है, वनलिंक का एक बहुत बड़ा एफिलिएट का प्रोग्राम है, जो एफिलिएट्स हैं एग्रीगेटर्स हैं उन सबको उन्होंने ऑनबोर्ड किया, पूरी एक मैकेनिज्म जो ना आज के दिन में ट्रिलियन की ट्रांजेक्शन हो रही है पाकिस्तान में डिजिटाइजेशन मोड में। उसके बाद हमने ई मनी का EMIs का 2019 में लॉन्च किया था, लेकिन अभी जाके 2023 में हमने फर्दर उसको अपडेट किया, कीपिंग व्यू दी वर्ल्ड के बेस्ट प्रैक्टिस, कीपिंग व्यू दी जो लेसन लर्न थे 4-5 सालों के उन सबको देखते हुए हमने उनके यूज़ केस फर्दर बिल्डअप किए हैं। इवन जो आप यहाँ पे मैंने देखा एक स्क्रो की बात आई थी, कोई EMI जो कल कल आगे स्क्रो के सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, दे कैन ऑल्सो कम स्टेट बैंक एज वेल। हमने उसके स्टेज बड़े आसान कर दिए, इनिशिएशन स्टेज है, कोई भी एंटिटी आती है अपने बिजनेस केस को हमारे साथ पिच करती है, हम उसको एक आध डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना उनकी दो एरियाज हैं गवर्नेंस और बिजनेस मॉडल, उनको रिव्यू करते हैं, चीज़ों को आगे ले जाते हैं। तो ये उस सारी चीज़ें, लेकिन हैविंग सेड दैट टेक्नोलॉजिकल जो फिनटेक्स है अपनी जगह पे, ट्रेडिशनल बैंक्स ने भी पिछले काफ़ी सालों डिकेड से अपनी कोर बैंक एप्लीकेशन में बड़ी इंप्रूवमेंट की है, सिंबल्स के नाम से कोर बैंक एप्लीकेशन मिलेंगी, फिडेलिटी के नाम से मिलेगी, टर्मिनोस के बड़े सोल्यूशन आ गए, इवन स्टेट बैंक ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। तो ट्रेडिशनल बैंक्स और फिनटेक आपस में मिल के ही आगे चलेंगे, उसकी वजह यह है कि पार्टनरशिप्स आर द फ्यूचर गेम, जो पार्टनरशिप्स हैं वही हमने भी रिसेंटली आई थिंक अक्टूबर नवंबर IFC वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर टेक्निकल सैंडबॉक्सिंग की है। टेक्निकल जो ओपन बैंकिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, यू नो वेल, आप सब जानते हैं बेहतर, उसमें ओपनिंग अप हो रही है, जो PSD2 था यूरोप का पेमेंट सिस्टम डायरेक्टिव 2 था, उसने वर्ल्ड को ओपन अप करता जा रहा है। अब PSD3 की बात भी हो रही है, उसमें ये होने लगा है कि जो डेटा रिच इंटिटीज़ हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, आई मीन ट्रेडिशनल बैंक्स हैं, दे विल एक्सपोज द डेटा, देर APIs एंड जो एफिशिएंट या टेक्नोलॉजी एफिशिएंट इंटिटीज़ है, फिनटेक्स है, वो उनको यूज़ करेंगे। तो हमने IFC के साथ मिलकर 3 महीने का अपना पायलट टेस्टिंग की, उसमें 8-10 के करीब हमारे फिनटेक्स थे और 8-10 के करीब बैंक्स थे, बैंक्स ने डाटा एक्सपोज किया, उन्होंने डाटा यूज़ किया, पायलट मॉडलिंग हुई। तो इसका मतलब ये है कि दोनों मिलकर साथ चलेंगे तभी जाके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल, और इसीलिए आज हमने UBL यानी कि कमर्शियल बैंक के इनोवेशन के हेड को इन्वाइट किया है, ज़ुहैर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैर सैफ साहब, यही क्वेश्चन आपसे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन इनोवेशन, ट्रेडिशनल बैंकिंग वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल बैंकिंग, क्या कह रहा है UBL और कमर्शियल बैंक्स के क्या चैलेंजेस हैं? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर तो वैसे बात हो गई, एक आई थिंक बिजनेस साहब ने कमर्शियल बैंक के पर्सपेक्टिव से आप बताएं कि आप क्या क्या इसमें रोल है। सो जस्ट लिंकिंग वेयर शौकत लेफ्ट ऑफ, आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स ही माइट हैव मिस्ड आउट एंड इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट वाज द इशुएंस ऑफ 4 digital bank licenses, 5 digital bank licenses, एंड देयर आर मोर ऑन द वे, एंड आई थिंक दैट ओपन्स अप द प्लेइंग फील्ड to fintechs to actually be now custodians of, you know, what traditional banks do, which is be the custodian of money, right? The second thing, I think what commercial banks and traditional banks rather in Pakistan, what they've been starting to do, especially what UBL has been trying to do for the past several years is, badi jaldi khayal aa gaya tha, to wo aapko, you know, you face the reality that you cannot do this alone, right? बैंक्स का काम पैसे को सेफ गार्ड करना और उसकी एडवाइजरी करना है और कस्टमर्स की पेमेंट्स की
एग्जीक्यूशन ऑफ रेल्स को प्रोवाइड करना है कि बिटवीन टू पीपल और टू पार्टीज बेसिकली मेक श्योर दैट द ट्रांसफर ऑफ फंड्स हैपन. जिस चीज़ के लिए आपने किसी चीज़ की पेमेंट करी है तो वो चीज़ उस तक पहुँच जाए और आपको वो चीज़ मौसूल हो जाए. बैंक्स हैव बीन अ बिट सॉर्ट ऑफ लाइक बिग डायनासोर्स, राइट? तो उन्होंने कहा कि यार हम खुद तो नहीं कर सकते, हर चीज़ करेंगे तो पैसा भी बहुत लगेगा, पता भी नहीं है, हम तो हैं ही बैंकर, हमें क्या पता टेक्नोलॉजी का, राइट? सो वी स्टार्टेड पार्टनरिंग विद फिनटेक्स, राइट? वी स्टार्टेड पार्टनरिंग विद डिज़ाइन फर्म्स के एप्लीकेशंस बनती हैं. तो हमने कहा कि यार एप्लीकेशंस खूबसूरत क्यों नहीं हो सकती? एक मोबाइल ऐप आप बनाएं, एक वेबसाइट आप बनाएं, सो वाई कांट दोज बी गुड यूआई यूएक्स इंटरफेसेस एज वेल, राइट? तो डिज़ाइन फर्म्स के साथ कोलैबोरेट करना शुरू किया. सो वी सेट अप अ डिज़ाइन लैब. यूबीएल वाज द फर्स्ट बैंक इन पाकिस्तान सेट अप अ डिजिटल डिज़ाइन स्टूडियो अमंगस्ट एफआईज. और उधर हमने फिर वो 2018 के अंदर सो वी पार्टनर्ड विद आईबीएम एंड वी सेट अप ए डिज़ाइन थिंकिंग स्टूडियो विच बेसिकली लेड टू द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ डिजिटल ऑनबोर्डिंग ऑफ अकाउंट्स इमेजिनेबल इन पाकिस्तान, राइट? कि पहले तस्वुर नहीं हो सकता था कि आपको उसी ब्रांच में अकाउंट खोलना होगा, तो वो एक हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल हुआ, फिर ब्रांचलेस बैंकिंग की चीज़ें आई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दूसरा जो एंगल हुआ, बैंक स्टार्टेड ऑल्सो इन्वेस्टिंग हैविली इन सिक्योरिटी, बिकॉज यू कैन नॉट गेट स्केल अनलेस अंटिल योर कस्टमर्स फील दैट दे कैन ट्रस्ट यू एंड दे फील दैट द फंड्स एंड देयर एक्टिविटीज आर सिक्योर विद यू. सो बैंक स्टार्टेड इन्वेस्टिंग वेरी वेरी हैविली एंड पार्टनरिंग विद टेक्नोलॉजी कंपनीज ऑन फ्रॉड सिक्योरिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन, सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर बड़ा इस साल बड़ा ज़बरदस्त एक काम हो रहा है. एक मेजर एक सर्कुलर इज इन सर्कुलेशन जिसकी बेसिस के ऊपर बेसिकली हम एक नारे एक तरह से लगा सकते हैं अगले साल तक इंशाल्लाह कि अनलेस एंड अंटिल आपने अपना सारी डिवाइस और सब कुछ आपने दे दिया और आपने उसको एक्टिवेट करके अपने अकाउंट का एक्सेस दिया है, आपका अकाउंट कोई और एक्सेस नहीं कर सकता. फ़ोन भी आपका छिन जाए, आपका अकाउंट कोई एक्सेस नहीं कर सकता. इतना रोबस्ट किस्म का स्टेट बैंक ने ये बैंक्स के साथ मिलके ये पॉलिसीज वगैरह बनाई हैं. तीसरा जो एंगल है, आई थिंक जो माय कॉलीग्स हैव ऑल मेंशन इंक्लूडिंग आई थिंक फिजान जो इंक्यूबेशन सेंटर को हेड करता है, यू हैव गॉट टू पार्टनर विद एवरीवन. आई थिंक द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट एक्सेस टू फंडिंग, द क्वेश्चन ऑल्सो इज डू यू नो वट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग. Are you solving the right problem? Do you have what it takes to solve that problem? Right? Aapne wo steps aapne measure out kiye. So one of the great things that the government and then at both federal and local level is helping is supporting these incubation centers to run these cohorts where itni capacity nahi hai jitni hamare paas demand hai ke ji hum sab log karna chahte hain. So they host this talent. And last but not the least, एक बड़ा इट्स स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग बट यू कॉन्ट कंट्रोल इट राइट नाउ. इट्स अ लॉस ऑफ टैलेंट. बहुत अमेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन टैलेंट अवेलेबल है पाकिस्तान में. आज से मे बी 5 साल पहले इतना नहीं था जितना अब अवेलेबल है. उसके इनोवेशन कॉन्सेप्ट, उसके डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, उसके डिजिटल कॉन्सेप्ट. सो बैंक्स एटलीस्ट वॉट यू बी एल इज ट्राइंग टू डू एंड आई एंड देयर कपल ऑफ अदर बिग बैंक्स इज वेल एंड सम ऑफ दीज न्यू डिजिटल इनकम्बेंट्स is to give a space to this talent to come and explore these ideas, to come and work. Sirf aap sandboxes mein na jayein ya agar aap incubation centers mein aapke paas wo reach nahi hai, access nahi hai. So we've started doing this in the larger cities, KLI. Ab hum wo program expand kar rahe hain. So one last thing is UBL is now also running a design training program jiske andar hum paise dete hain logon ko, hum select karte hain logon ko. बच्चे जो ग्रेजुएट्स हैं इनका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, हम कहते हैं कि हम आपको ट्रेन करते हैं 10 महीने के लिए इन डिजिटल एंड डिज़ाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. और हमारे बाद आप ट्रेनिंग करके आप हमारे साथ भी काम कर सकते हैं, आप किसी डिजिटल बैंक के साथ भी काम कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं. सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट वी एज अ बैंक एब्सोल्युटली. और एक बहुत अच्छा आइडिया तो आपकी डिस्कशन से हुआ इमर्ज, पार्टनरशिप. बिल्कुल, पार्टनरिंग द सॉल्यूशन, क्योंकि हर कोई अपनी एंटिटी के अंदर अपने जैसा काम करता है तो किसी दूसरे का काम उतना एक्सपर्ट तरीके से नहीं कर सकता. तो अनलेस एंड अंटिल यू पार्टनर यू कांट अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट. नाउ द एजाज साहब,
आपकी रीत और आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट्स, आप जो काम भी करते हैं, डेटा एनालिटिक्स का क्या यूज़ है, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स सो दे मे मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस फॉर इन्वेस्टमेंट्स? बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा आपने, और मैं पहले तो ये सबमिट करूं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव था रीट्स बनाने का, वो ये था कि हम बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट हाउस थे और हम इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को ग्रो करना चाहते थे, और रियल एस्टेट एक बड़ा इन्वेस्टमेंट क्लास है जो एक्सेसिबल नहीं है, और इवन बड़े इन्वेस्टर के लिए भी आसान नहीं है उसमें इन्वेस्ट होना, फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस जो हम पिछले 2-3 रोज से डिस्कस कर रहे हैं, प्राइमरीली ड्रिवन बाय द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो इस बिजनेस को ड्राइव कर रहा है। हम लोग अपनी इंस्पिरेशन जो ड्राइव कर रहे हैं वो हम स्टेट बैंक से कर रहे हैं। स्टेट बैंक पाकिस्तान में एक मिसाली रेगुलेटरी बॉडी बन गया, और जो बहुत अच्छा HR जमा कर पाया, और एक उसने एक सिस्टम बना लिया है, और जो प्रोडक्ट्स वो बना रहा है वो कंपेरेबल हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, और ये ख़ास किस्म का माइंडसेट चाहता है, यानी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना, फिर रेगुलेशंस को इंटीग्रेट करना विद ऑल द रेलेवेंट रेगुलेशंस, फिर उसको एग्जीक्यूटिबल फॉर्म में लेकर आना, तो वो उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अभी भी हम लोग अगर अपनी जर्नी की बात करें तो मुझे लगता है कि हम अगर 1 to 10 का स्केल हो तो हम 1 or 2 पे ही घूम रहे होंगे, क्योंकि अभी हमने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना लिया है, लेकिन रियल एस्टेट का जो इकोसिस्टम है वो ज़रा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसा हम कल भी बात कर रहे थे कि उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज़, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, SECP, ये सारे रेगुलेटर्स को इन्वॉल्व करना होता है, और इतनी बड़ी हमारे पास शख्सियात नहीं है या इतना बड़ा सिस्टम नहीं है जो उनको लेके चले, लेकिन बहरहाल अभी हम रीट बना पाए और हम 2 रीट्स को लिस्ट कर पाए। अभी भी जो रीट्स की इन्वेस्टमेंट है, बिज़नेस तो तभी ग्रो करेगा जब मासेस उसमें इन्वॉल्व होंगे, और मासेस को अभी तक हम इन्वॉल्व नहीं कर पाए हैं। यानी हमारी जो रीट्स के टोटल इन्वेस्टर्स होंगे मेरा ख्याल है वो 8-9 हज़ार होंगे सिर्फ, जो कि बहुत कम नंबर है, और उसमें जो रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप्स हैं वो ज़ाहिर है कि बड़ी रिलेशनशिप्स हैं। ये एक कल्चरल इशू भी है कि जिस आदमी ने 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने होते हैं वो बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, और उसके सवालों का जवाब देने के लिए जिस क्वालिफिकेशन का बंदा चाहिए वो हम उसको नहीं प्रेजेंट कर सकते, और जिसने 2-5 बिलियन इन्वेस्ट करने होते हैं वो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेता है, और वो बिल्कुल रेलेवेंट बात करता है। तो इसीलिए जो लोग हम तैयार करते हैं जो स्किलफुल हों, उनकी डिज़ायर होती है कि वो उस बड़े आदमी से बात कर लें, क्योंकि वो डील भी हो रही है, वो रिवॉर्ड भी मिल रहा है, फाइनेंशियली भी रिवॉर्डिंग है। तो इस किस्म के चैलेंजेस से हम गुजर रहे हैं। अभी जो हम मासेस में रीट्स को लाए हैं वो लाए हैं वाया स्टॉक एक्सचेंज, यानी हमने रीट फंड को लिस्ट कर दिया, और कोई भी इन्वेस्टर जिसके पास 5,000 रुपये भी हों वो रियल इस्टेट में एक्सपोजर ले सकता है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की अपनी जो परसेप्शन है वो कोई बहुत बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, उसको हमें डायरेक्ट चैनल्स के थ्रू आने के लिए कोई प्रोडक्ट बनानी चाहिए कि लोग आसानी से उसको इन्वेस्ट कर सकें विदाउट थिंकिंग अबाउट कि व्हाट हैपेंस इन द स्टॉक एक्सचेंज। वो वाली चीज़ को हमें एड्रेस करना है। तो एक परसेप्शन की वॉर है जिसको लड़ना है, और उसको हम बैटल बाय बैटल विन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अभी अगर आपका सवाल है कि अभी हम AI या डेटा या वो अभी हम इसमें कुछ खास नहीं किए हैं। इससे आप ही का बेनिफिट होगा कि जो कस्टमर है वो ज़्यादा अवेयर होगा, आपसे क्वेश्चंस कम करेगा, आपके लोगों के HR कम यूटिलाइज होगी, तो अगर ऐसी चीज़ें फ्यूचर में आई होप कि इन प्रोसेस तो होंगी, तो इंशाल्लाह इस तरह से काम अगर किया जाए तो मज़ीद इस सिलसिले में डेवलपमेंट हो सकेगी। डेफिनेटली, क्योंकि लोग आजकल वैसे भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं, सबसे पहले ऐप खोलते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद फिर वो किसी को फ़ोन करके उससे बात करते हैं। शुक्रिया। अभी जी फिजान साहब, थोड़ा सा ये बताएं कि अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल लर्निंग और इस तरह की चीज़ें जो आप करें, जो ऑब्वियसली इनक्यूबेशन जब आप करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें आप उनके साथ स्पेशली करते हैं कि जो इस वक्त रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक उन्हें फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं मीटअप कर पा रहे,
उनकी हैंड होल्डिंग करनी है, तो आपके पास क्या सोल्यूशन है कि एंटरप्रेन्योर को किस तरह से डेवलप किया जाए कि एक प्रॉपर बिजनेस सक्सेस का मॉडल उसका बने? अच्छा, तो हम लोग सिर्फ ऐसे नहीं कि हम लोग वर्कशॉप्स करवा लेते हैं, व्हाट वी डू इज़ वी एक्चुअली पॉलिश देम. सो फॉर एग्जांपल द काइंड ऑफ स्टार्टअप्स दैट वी हैव, यहाँ पे अभी वर्क ने आके प्रेजेंट किया, उनके पॉड्स हमारे पास बहुत पहले से पड़े हुए हैं, दे आर पार्ट ऑफ आर इंक्यूबेशन सिस्टम. लैंड ट्रैक जिनके आप लोगों को देख रहे हैं, दे आर ऑल्सो इंक्यूबेटेड एट एनआईसी कराची राइट नाउ. सो ये एक माइंडसेट चल रहा होता है कि जी बच्चे आए हुए होंगे, वो आगे कोई काम कर रहे होंगे, बट द एवरेज एज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर द वर्ल्ड ओवर इज 40+. वी करंटली हैव सर्टन वाई पे के नाम से जो SECP का सैंडबॉक्स में है, वाई पे इज एन ऐप, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, देर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंक्यूबेशन सिस्टम. ऑनकोर पे है, जैसे इन्होंने टेमिनोस का भी जिक्र किया था, तो इमेजिन अ कोर बैंकिंग सिस्टम टू लॉन्च नया पे, सदा पे, एनी थिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ऑनकोर पे हमारे पास है, तो देर इंक्यूबेटेड ओवर देयर. सो दीज आर वेरी वेल पॉलिश्ड पीपल. जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होता उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, we tell them everything from how to prepare a financial statement to how to stand in front of the audience, talk to them, to figure out ke kya baatein kis time pe karni chahiye, kiske sath karni chahiye, bajaye iske ke aap 50 logon ko email kar dein. Hamare Fabib ko agar mera startup abhi agar likh de kuch bhi ke ji I want funding from you, but wo bilkul ideation stage pe ho, it's not worth his time, it's not worth the startup to actually do that at that time. So we have to polish them that way as well. Unki brand building hoti hai. We run programs with फॉर एग्ज़ाम्पल द स्टेट बैंक भी हमारे पास काफ़ी दफ़ा आ चुका है, एंड वी वर्क विथ देम फॉर टीचिंग पीपल हाउ टू यू नो स्टेप अप देयर गेम, ताकि उनके साथ मिल के हम लोग फ्यूचर में स्टार्टअप्स को क्या करवा सकते हैं. सो वी डन दैट. UBL हैज़ बीन पार्ट ऑफ देयर. सो वी रन हैकाथॉन्स फॉर विथ बैंक्स एज वेल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बैंक हमारे पास आती है, बोलती है जी दिस इज द काइंड ऑफ सोल्यूशन दैट आई एम लुकिंग फॉर, डू यू हैव स्टार्टअप्स और पीपल दैट कैन प्रोड्यूस दैट सोल्यूशन. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट के एक बच्चा आएगा वो आइडिया लेके आएगा, हम उसी के ऊपर काम करते हैं. वी कैन कम अप विथ बिस्पोक सोल्यूशंस फॉर एनी वन. सो मे बी द स्टेट बैंक कम टुमारो कैन कम एंड से इस किस्म की प्रोडक्ट की आउटपुट चाहिए, लेट्स रन अ हैकाथॉन और आइडियाथॉन. वी डू दैट इज वेल. वी डन दैट फॉर न्यूमरस पीपल. सो आई एम ऑल्सो एक्स बाइकिया. बाइकिया वॉज पार्ट ऑफ द फर्स्ट कोहर्ट, दैट्स द ओनली लार्जेस्ट होम ग्रोन राइड हेलिंग कंपनी इन पाकिस्तान राइट नाउ. सो इमेजिन वो भी वहाँ से निकल के आई है. So again, it's not only about one little thing. काफ़ी दफ़ा मेरे पास ऐसे होते हैं लोग जो आते हैं, मैं 25 साल का एक्सपीरियंस है मेरे अपनी इंडस्ट्री के अंदर, मुझसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनता, लेकिन और द चांसेस आर हमारा ही एक और कोई स्टार्टअप होगा वहाँ पे मौजूद जो कहेगा मेरे पास ये 15 साल का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, अब मैं अपना स्टार्टअप करने आया हूँ. एंड दीज गैस सिट टुगेदर एंड दे एक्चुअली गेट इट डन. सो वी हैव अनदर ग्रेट प्रॉपटेक सोल्यूशन कॉल्ड फोर्टिफाई. दे वर्क विद लार्ज बिल्डर्स. We have one called Gridizen that work with builders in the United Kingdom. Unka back office pura yahan par hai. So these are very well polished people that know what they're talking about. So I love this kind of occasion to tell everyone about it. Why? Because log ke zehen mein hota hai national incubation center, okay fine, kids coming over there come up with kiddie ideas. Idea most pe log ke zehen mein hota hai ki bacche seekh rahe hain, bachon ko sikha rahe hain aur bas start kar rahe hain apna business. So, absolutely. So we've got about 7.9 billion rupees का सिर्फ जो है क्या कहते हैं revenue raise कर चुके हैं already in the past 5 years. Almost 5.9 billion rupees of investment हमारे startups को मिल चुकी है already. So all of this is very very tough, but the best part is all of us are coming together. Yeah. I can't do this alone. So we have banks over here, people, other institutions over here, we have other gentlemen available over here. We need to work together to make sure that these people are able to do something in the future. Exactly. This panel discussion ka objective bhi yahi hai. Ji. Now coming to Dr. Saleem, thoda sa twist karte hain questions ko. Ab isse nikal ke hum ye dekhte hain ki ab jo related hamara issue hai ki cashless society ki taraf hum move kar rahe hain. और स्टेट बैंक की तरफ से ऐसे कौन से पोटेंशियल चैलेंजेस हैं जो डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी और तमाम सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन अगर इस कैशलेस सोसाइटी की तरफ मूव करता है तो फाइनेंशियल लिटरेसी को कैसे इंश्योर करेगा पहली बात, और फिर उनकी डिजिटल ट्रांजेक्शन को सिक्योर कैसे करेगा? जी मैडम, बहुत शुक्रिया. बिफोर पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका तकरीबन 50% फीमेल पे है, तो इन दो चैलेंजेस को देखें कि अभी 60% पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज और 50% पॉपुलेशन इज़ फीमेल, तो आप इससे अंदाज़ा करेंगे दो इससे हमें एनालिसिस निकलते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का लेवल कितना है, तो वो बहुत कम है.
क्योंकि रूरल एरियाज में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, ना एक्सेस टू फाइनेंस है. और फीमेल का वो भी आपको अंदाज़ा होगा, इससे अंदाज़ा होता है कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल एक्सक्लूजन बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो भी बहुत लो है. जस्ट टू शेयर विद यू, यू विल सरप्राइज कि अगर हम 60-70% एजुकेशनल लिटरेसी को मान लेना, तो ट्रस्ट मी कि फाइनेंशियल लिटरेसी इससे भी कम है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं एज पर डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन लिटरेसी, लेकिन उनको बेसिक जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसका भी आइडिया नहीं है. कई लोगों को आज भी चेक लिखना नहीं आता, एटीएम मशीन यूज़ करने नहीं आती, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का फ़र्क नहीं पता. तो इस सिनेरियो को देखते हुए स्टेट बैंक जो है वो एक बड़ी ही कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजी लेके चल रहा है. हमारे 16 फील्ड ऑफिसेज हैं, उनके थ्रू हम फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट कर रहे हैं. इसके लिए हम तहसील लेवल पे, गांव लेवल पे हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं. हमारा एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है आमा के नाम से, आसान मोबाइल अकाउंट, उसको वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जी उसके थ्रू आप बड़े इजीली, इवन आपके पास बेसिक जो सेल फोन है वो अगर आपके पास है, इंटरनेट की एक्सेस भी नहीं है, उसके थ्रू आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं. मींस वंस दे ओपन द अकाउंट दे हैव एक्सेस टू फाइनेंस, उनका एक लिंकेज जो है बैंकिंग सर्विसेज के साथ, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ हो जाता है. दूसरी चीज़ जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो ये कि थिएटर्स कर रहे हैं, गाँव में जाके थिएटर्स के थ्रू, स्पेशल बुकलेट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि आपने बैंकिंग सर्विसेज को कैसे यूज़ करना है, फाइनेंशियल लिटरेसी को कैसे इंप्रूव करना है. स्कूल्स में जाके हमारी टीम्स जाके बच्चों को बेसिक न्यूमरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि जब वो बड़े हों तो उनको पता हो कि बेसिक चीज़ें क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी की. इसी तरह से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्विटर है, यूट्यूब है, अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, सो स्टेट बैंक उनके थ्रू जो है वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट पीपल नो कि जी हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है और फाइनेंशियल सर्विसेज को उन्होंने कैसे इम्प्रूव करना है. बैंक के साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं. बाहर हमने एक इस साल नया एक्सपीरियंस किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट बैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है और उसको टारगेट्स दिए हैं कि आपने फाइनेंशियल लिटरेसी को इतना प्रमोट करना है. इसके साथ साथ हम जो हमने बात की थी कि फीमेल पार्टिसिपेशन को इनक्रेज करने के लिए स्टेट बैंक ने बैंकर्स ऑन इक्वलिटी के नाम से एक प्लेटफॉर्म, एक स्ट्रेटजी लॉन्च की है, जिसमें हम फीमेल्स को एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी दे रहे हैं, दूसरा उनको इनक्रेज कर रहे हैं कि आप बैंकिंग सेक्टर्स को ज्वाइन करें. इससे कैरियर ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्री, इससे सेफ इन्वायरमेंट, आप उसके थ्रू आएँ. फिर बैंक्स के अंदर हमने फीमेल चैम्पियंस को आइडेंटिफाई किया है कि आप फीमेल्स को इनक्रेज करें कि आप सर्विसेज लें, हमारी प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ करें. तो इसे 360 अप्रोच जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को, एक्सेस टू फाइनेंस को, डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी और नॉर्मल जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको प्रमोट कर रहे हैं. हाँ जी, थैंक यू. अच्छा जी शोकत साहब, अब डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी और स्टेट बैंक क्या पॉलिसी बना रहा है इसके लिए, सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करेंगे? थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया उमा साहब. देखें, स्टेट बैंक और इंडस्ट्री जैसे नेविका, दे कम अ लॉन्ग वे. सब बहुत मुस्करा रहे हैं, लगता है उनके पास कोई खास चीज छुपी हुई है. इफ यू वांट टू शेयर तो प्लीज. नहीं, असल में ये कोलैबोरेशन की स्पेस है, कंसल्टेशन कोलैबोरेशन स्पेस है. सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड ओवर नाउ वो डिक्टेटोरियल नहीं होते, दे वांट टू बी इन अ फैसिलिटेटिव रोल में होते हैं, वो चीज़ों को इनेबल करवाना चाहते हैं. अच्छा, आप अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी की, या इन चीज़ों की जब देखते हैं स्टेट बैंक की जर्नी को, तो सेंट्रल बैंक 2001 से अगर जो वेबसाइट जब भी देखते हैं, स्टेट बैंक का वेबसाइट बड़ा इनरिच्ड है. मैं जस्ट अपने कॉलिग्स को ये कहता हूँ कि काइंडली अगर वीक्स में, डेज में, तो वीक्स में एक आध बार जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं देखा करें, इट्स हाईली इनरिच विद द डेटा. अच्छा, अब वहाँ पर डॉक्टर इशर साहब के दिनों में जब सीसोस के नाम, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज के नाम किसी सुने भी नहीं थे, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर का नाम सुना भी नहीं था, तो डॉक्टर इशर साहब के दिनों में उन दिनों बैंकिंग पॉलिसी रेगुलेशन ने गाइडलाइन इशू किए थे बीसीपी के, बैंकिंग बिजनेस कंटिन्यू प्लान के, और साथ साथ उसने कहा कि बैंकों के पास अपने सीसा आईएएस ऑडिटर होने चाहिए और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्लान्स होने चाहिए, ये सारी. लेकिन उस वक्त गाइडलाइन के टाइम मोड में थे, यानी गुड टू हैव, अगर मैंडेट नहीं थे.
we wanted the industry to grow up, not to be the penalized with the instruction ki agar unhone nahi kiya to unko penalize kar, no, we wanted to enable them with the latest train, latest instruction. इंडस्ट्री ने अपने आप आस्ते आस्ते ग्रो करना शुरू किया. इंडस्ट्री ने आज के दिन में जितने भी हमारे 34 या 35 जो बैंक्स हैं, बाकी MFBs हैं, EMIs हैं जो 12 के करीब हैं, और PSO PSPs हैं 5-6 के करीब हैं, इन सब के पास अपने चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और ऑडिटर्स इनके पास अवेलेबल हैं. मेजॉरिटी ने सीम्स लगा रखे हैं, मेजॉरिटी ने सॉक्स लगा रखे हैं, और मेजॉरिटी का आज मैंडेट है कि VAPT वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना मस्ट है आज के दिन में. और जितने भी ISO के स्टैंडर्ड है, चाहे वो 27001 के हों या PCI DSS के हैं, PA DSS के हैं, EMI कंप्लायंस के, ये सारे इंडस्ट्री के लोग इस वक्त मेनली कंप्लायंट हैं. लेकिन ये जितनी हार्डवेयर ट्विकिंग कर रहे होते हैं, चाहे फायरवॉल्स की फॉर्म में, IDS या IPS की फॉर्म में, या सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में कन्फिगर कर रहे होते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आज के दिन में देखी जा रही है वो है अवेयरनेस कैंपेन्स हैं. इवन नॉलेजेबल यूज़र जो हैं वो भी ट्रिक्स में आते हैं, सोशल इंजीनियरिंग के ट्रिक्स में आते हैं. अपना OTPs, यानी पिछले कई सालों से सेंट्रल बैंक ने, इंडस्ट्री ने मिलकर PTA से मोबाइल के रिंगटोन में बार बार उर्दू और इंग्लिश में चीज़ें आती रहती हैं. If for God's sake, never share your details with anyone. State Bank will never call you for your credential. The UBL or MCB, ABL will never call you for the credential. Even then, जी मैं FIA से बोल रहा हूँ, मैं State Bank से बोल रहा हूँ, मैं किसी एजेंसी से बोल रहा हूँ, लोग देन अंदर चीज दे रहे होते हैं. द मोमेंट विद इन नो टाइम जब उनकी ट्रांजेक्शन IBFT पास ऑन होना शुरू होती है और किसी ब्रांचेस बैंकिंग से जाके लेयरिंग शुरू होती है किसी और जगह पे, आधे घंटे सब्जी हो चुकी है. लेकिन स्टेट बैंक और इंडस्ट्री साइलेंट नहीं था इन चीज़ों को देखते हुए. अब मिनिस्ट्री से ही मिलकर काम कर रहे होते हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिलायबल बाकी बॉडीज हैं उनसे मिलकर काम कर रहे हैं. अभी जिस तरह उधर ने कहा, अभी अप्रैल में स्टेट बैंक एक बड़ी एग्जॉस्टिव इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं, सारे स्टेक होल्डर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें डॉक्यूमेंट किए गए. द समबडी हु इज द अकाउंट होल्डर ऑफ XYZ बैंक, अगर उसको फ्रॉडस्टर कॉल करता है, किसी तरह से डाटा उसने ले लिए और फ्रॉडस्टर ने कॉल किया जनाब उस कस्टमर को, उसकी डाटा उसने ले लिए, ठीक है, और विद इन नो टाइम उसने 1,00,000-2,00,000 की ट्रांजैक्शन कर भी दी, और कस्टमर का मोबाइल ऐप्स की बात करते हैं, 27 बैंक्स हैं अराउंड जिनकी आज के दौर में मोबाइल ऐप्स हैं, और आज के दिन में लोगों का जो बैंक सर्विस भी कम से कम हो गई, भी स्टेट बैंक जो काम किया था पासमेंट जिसे मिलके, तो उनकी ऐप में जैसे ही उनको SMS आती है या कोई और चीज़ें आ जाती हैं तो फ़ौरन वो पिकअप करता है कॉल को, उसकी कॉल सेंटर को. यहाँ पे चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, कॉल सेंटर के इश्यूज़ हैं, या टाइमली कॉल वहाँ नहीं मिलते हैं, टाइमली डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो अलग बात है. सोर्स बैंक जहाँ से फंड चले गए, फिर बेनिफिशियरी बैंक जहाँ पे लैंड करते हैं, बीच में हमने वन लिंक का FTDH का भी एक मैकेनिज्म लगा के, फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म वो भी लगा के, हर एक के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो सारे लाइबिलिटीज़ के साथ मैंशन किए. दिसंबर में जाके उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, उसके उसके बाद आई थिंक, लेकिन हैविंग सेड दैट, अवेयरनेस, देखिए ब्रांच इज अ प्लेस, अगर ब्रांच के मैनेजर आज के दिन में वीक बेस पे, मंथली बेस पे 10 मियां साहिबान को, आजी साहिबान को, या अम्माओं को, कालाओं को बुला के जस्ट सिंपल उर्दू में या सिंधी में, इंग्लिश में, किसी और भी लैंग्वेज में अवेयरनेस देता है, पंजाबी में कहता है जी आपने शेयर नहीं करना, वो लैंग्वेज ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू कि PTA की मैं मोबाइल से भिजवा दूँ इंग्लिश में, जी नहीं करना है, वो लोग इसका नहीं करते हैं. ब्रांच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, जहाँ पे सोर्स है, जहाँ पे लोगों की कनेक्टिविटी होती है, कि वहाँ पे जाके लोग, ब्रांच मैनेजर का एक मेजर रोल है, ब्रांच के CSR के मैनेजर्स हैं, CSM के जो मैनेजर्स हैं उनका की रोल है कि उस रोल को एक्सप्लॉयट करें, लीवरेज करें, कस्टमर्स को 10-10 के ग्रुप में भी करना चाहें, अवेयरनेस कैंपेन अपन चलाएं उर्दू के लैंग्वेज में, एक बहुत बड़ी चेंज आएगी. जी बिल्कुल, और इससे आप जितनी हार्डवेयर कन्फिगरेशन, जितने अपने फायरवॉल्स को स्ट्रेंथन करें, जितनी अपनी कन्फिगरेशन करें अपने एप्लीकेशन साइट पे, लेकिन जो अवेयरनेस कैंपेन है वर्ल्ड वाइड उसके बारे में यही कही जाती है. लेकिन इवन देन स्टेट बैंक और इंडस्ट्री साइलेंट नहीं है, वो जब भी ट्रेंड नए डेवलप हो जाते हैं उस ट्रेंड के अगेंस्ट उनके सर्कुलर इंस्ट्रक्शन जरूर आते हैं और स्टेट बैंक उस पर मिलकर अपना एक काम कर रहा होता है. थोड़ा सा ये भी है कि ट्रेंड के अगेंस्ट ही आता है, लाइक पहले कॉल शुरू हुई उसके बाद फिर असल में पहले काम हो जाता है कुछ लोगों से, वर्ल्ड में यही कही जाती है कि हैकर्स आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ यू. बिल्कुल, उनका काम यही होता है कि दे आर हैकिंग, दे वांट टू क्रैक द द सॉल्यूशन दैट द जॉब. थैंक यू. ये सिक्योरिटी के हवाले से तो बड़ी सीधी हासिल बहस हो गई, जहर साहब ने भी, उन्होंने भी कहा,
ज़ुहैर साहब, अब आप ये बताएं कि आप क्या फ्यूचर फोर्सी करते हैं पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक का, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कमर्शियल बैंक किस स्पेस क्या प्रोवाइड कर रहा है बैंक कस्टमर्स को, कितनी टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस प्लस उनके कस्टमर प्रोटेक्शन, उनके हकूक के हवाले से, उनकी राइट्स एंड ये सब चीज़ें कैसे कर रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद? सो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये कि वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, ठीक है, सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये नहीं है कि जी सिर्फ स्टेट बैंक का काम है, ये सिर्फ बैंक का काम है कि आपने ये करना है, मतलब एवरीबडी हैज़ टू बी हैज़ अ रोल टू प्ले। तो वे बैंक्स आर कंसर्न विद रिगार्ड्स टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट, वी वॉन्ट टू बी इन अ पोजिशन वेयर इवन योर डिवाइस इज कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्ट बाय द बैंक एंड बाय द स्टेट बैंक, वेयर योर डिवाइस और व्हाटएवर डिवाइसेस यू वांट टू यूज टू एक्सेस योर बैंकिंग फैसिलिटीज आर नोन टू यू। सो आप एज ए कस्टमर, अगर आपका वो फ़ोन है तो वो आप उसको इनलिस्ट करेंगी कि ये मेरा एक नोन डिवाइस है। बैंक्स आर यूजिंग अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आज आप यहाँ पर हैं, आपका एक बिहेवियरल थ्रेशोल्ड बना हुआ है कि आप कराची में ही बैठ के ट्रांजैक्शंस करती हैं, एकदम से एक पॉपअप होता है लाड़काना में, तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, वी वर्किंग विद फॉर एग्जाम्पल द लाइक्स ऑफ TPL, होम ग्रोन, ज़रूरी नहीं हम हर चीज़ जर्मनी से लेकर आएँ, तो उनके साथ हम करके काम कर रहे हैं कि यार ये एकदम से लाड़काना में कैसे पॉपअप हो गया। सो एंटी फ्रॉड एंड फ्रॉड डिटेक्शन मेकानिज्म, फ्रॉड होने से पहले उसको डिटेक्ट करना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और नहीं जो देखें, आपका जहाँ से लॉग इन होता है आपकी, आपके पास हमारे पास डेटा आ जाता है कि आपने किस IP कहाँ से आपने यूज़ किया। आप VPN भी बेशक भले यूज़ कर रहे हो, हमें पता है एग्जैक्टली आपने कहाँ से लॉग इन किया है, राइट। तो एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन फ्लो और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला जो है, एक टैबू भी एक है, और दिस इज़ समथिंग दैट स्टेट बैंक इज़ कॉन्स्टेंटली रिव्यूइंग इन पार्टनरशिप विद अस। फॉर एग्जांपल, कितनी ख़वातीन हैं इस मुल्क में जो कि खुद जाती हैं और अपना नाम से अपने सिम लेती हैं? नहीं है। बैंकिंग, और कभी भी आप ब्रांच में आप जाएँ, आप अकाउंट खोलने की कोशिश करें, पिछले 1-2-3 सालों में ये एक रेवोल्यूशन सी आ रही है इंक्लूसिविटी की तरफ और ओपननेस की तरफ। लेकिन सबसे पहले सवाल आपसे पहले ये किया जाता था, भाई शौहर को लेकर आओ, भाई को लेकर आओ, बेटे को लेकर आओ, हस्बैंड को लेकर आओ, राइट। आपसे सवाल किया जाता था कि आप कमाती क्या हैं, या आपका जो कमाओ पूत है उसको लेकर आओ, वो दिखाओ। अब आसान अकाउंट्स आ गए, आमा अकाउंट्स आ गए, इससे इंक्लूसिविटी बढ़ी है, बट इट्स नॉट फास्ट इनफ। तो इसकी जो अवेयरनेस है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये दिस हैज़ टू बी एट ग्रास रूट लेवल। तो बजाय इसके कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करें, वो तो करते ही रहें, लेकिन इट शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलम एज वेल। उसी तरह से जिस तरह से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स आपको पढ़ाई जा रही है, प्राइमरी स्कूल से आपको पता चलना चाहिए यार बैंकिंग भी ये एक हिस्सा है। बिल्कुल। और आखिरी जो पार्ट है वो ये है कि यूजिंग टेक्नोलॉजी, AI, मशीन लर्निंग टू गिव एडवाइजरी टू कस्टमर्स, राइट। बैंक का जो ट्रेडिशनल जो काम है ना, वो ब्रिक एंड मोर्टर मे स्टे एंड मे चेंज इट्स शेप एंड फॉर्म, राइट। आप अभी भी उस मुल्क का एक हिस्सा है जिसके अंदर आपका मेजॉरिटी ऑफ योर कस्टमर समझता है कि वो जो ब्रांच है ना, वहाँ पे मेरा पैसा है, और वो जाता है ब्रांच मैनेजर के पास और काउंटर के पास। ये मैं आपको एक्चुअल वाक्य बता रहा हूँ, उससे महीने में एक दफ़ा बात करने कि यार मैंने, हाँ वो बंदा था ना मैंने, क्योंकि पैसे उसको दिए। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रेक कि यार ओ कि बैंकिंग का क्या है, ब्रांच इज़ हेयर टू स्टे। ब्रांच का रोल चेंज होगा एडवाइजरी के रोल के अंदर, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के रोल में, और डिजिटल का जो रोल होगा वो एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूसिविटी और सर्विसबिलिटी के ऊपर। सेल्स विल बी पर्सनल एंड मोस्टली डिजिटल। क्वाइट अ फ्यू पीपल माइट आर्ग्यू कि यार आप तो इनोवेशन है और आप डिजिटल सेल्स नहीं होगी, बिल्कुल होगी, बट डिजिटल का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है ना प्ले, विच इज़ ब्रेड एंड बटर, सर्विसबिलिटी, वो काम जिसके लिए उसको ब्रांच जाना है वो घर बैठे कर सके। सो आई थिंक दिस इज़ वॉट द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स विल सी एज अ चेंज, के आपकी फ्रॉड सिक्योरिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन, आपका ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, पेमेंट्स की कैपेबिलिटी, जो काम आपको कैश से करना है क्या उसको मैं ऐप से पे कर सकता हूँ। और सिर्फ बैंक्स नहीं कर रहे होंगे, EMIs, PSPs, IPGs वगैरह, मल्टीपल क्या कैटेगरीज आपकी इन्वॉल्व हो रही होंगी। एंड आखिरी जो पार्ट है आपका एजुकेशन लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। थैंक यू सो मच।
इससे पहले कि आप एक सवाल पूछे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो ये कि जितनी भी गुफ्तगु आप सुनते हैं ना पाकिस्तान में, वो होती है एहतियात के बारे में, फ्रॉड नहीं हो जाए, बच्चे को चोट नहीं, खेल तो लें पहले। तो एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री हमारी जो है ना, उसको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। दुनिया भर में गलतियाँ होती हैं, फ्रॉड्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बट इंश्योर्ड होते हैं। हमारे यहाँ इंश्योरेंस का जो आस्पेक्ट है वो बहुत वीक है, तो हर आदमी गलती से ही डरता रहता है कि गलती नहीं हो जाए। गलती तो होगी जब काम करेंगे, फ्रॉड्स भी होंगे। हाँ, तो इंश्योरेंस के साथ भी अगर इंश्योरेंस ऑफर किया जाए तो कहेंगे कितने पैसे कटेंगे, नहीं इंश्योरेंस नहीं करना। एग्जैक्टली, तो ये चीज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट एक चीज मैं बोलूंगा इस पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन, ये जो हम सर्कुलर की बात कर रहे हैं, होपफुली शौकत साहब जाके इसको थोड़ा एक्सटेंशन करवा देंगे 31 दिसंबर की डेडलाइन को। वी हैव एक्चुअली स्पोकन विद इंश्योरेंस कंपनीज एज वेल, यार सोशल इंजीनियरिंग का कोई प्रोडक्ट लेकर आए, फ्रॉड, आपकी क्रेडिट शील्ड होती है, कार्ड आपका चोरी हो जाए, गुम हो जाए, दुनिया भर में 10-20 साल पहले सिटी बैंक वगैरह ने शुरू करी हुई थी। तो सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड की भी कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट होनी चाहिए, जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के ऊपर आप करें, ताकि उससे आपकी और आसानी होगी और आपकी और एक्सेप्टेंस होगी। अच्छा, आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से एक ये क्वेश्चन कि आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, बिल्डिंग्स ये सब कुछ, आजकल सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल फाइनेंशियल, इनका बहुत चर्चा है, ग्रीन बैंकिंग इसका एक पार्ट है, लेकिन आपकी प्रैक्टिसेस में सस्टेनेबिलिटी का कितना पार्ट है? थैंक यू फॉर आस्किंग, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, बट गुर्बत में ये सवाल बहुत आखिर में आता है। अभी तो रहने की जगह नहीं है, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, पानी आ नहीं रहा है टाइम पे, ये वाले इशूज़ हैं। बट हम लोगों को ये अंदाज़ा हुआ कि दुनिया भर में ये काम हो चुके हैं और हमें ऐसा कुछ, हमें सिर्फ कॉपी करना है। तो एक तो हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ये करते हैं कि दुनिया में जो हो रहा है उससे लर्न कर लें। और ये जो सवाल है ना एनवायरनमेंट के, सस्टेनेबिलिटी के, हाइजीन के, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं। तो उसमें हमें एक बात तो ये समझ में आई कि जो हमारा साइज़ ऑफ प्रोजेक्ट है वो साइजेबल होना चाहिए कि वो इन चीज़ों को टेक केयर कर सके। Exactly. वो छोटे प्रोजेक्ट तो आप कर नहीं सकते, तो इसीलिए हम लोग जो हैं, यानी छोटी छोटी चीज़ें, IFC की गाइडलाइंस हैं बहुत अच्छी, जिसे वो एज सर्टिफिकेशन बोलते हैं, एफिशिएंसी इन डिज़ाइन उसके हवाले से। तो उसमें वो तीन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि आपको कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, Exactly. आपको वाटर कंजर्वेशन करनी है, और आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कंट्रोल करना है। तो उस हवाले से हम लोग प्लांटेशन करते हैं बहुत एक्सटेंसिव। अभी ये वो आपको दिखाई दे रहा है सिल गार्डन्स, उसमें हम लोग कोई 1,00,000 पौधे लगा रहे हैं। अब पाकिस्तान में काम करना मुश्किल है, बिकॉज और सबसे मुश्किल काम क्या है कि अगर किसी को काम से रोकना हो तो मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि ये मत करो, मैं बोलता हूँ देखो सही से करना, इसका मतलब है कि ये नहीं होगा। बिकॉज लॉज इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं और आपसे लोग पैसे मांगते हैं कि अगर वो नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। तो हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, ग्रे वाटर जो है वो उसकी वेस्टेज को कर रहे हैं कंट्रोल, जो जी तो वो आप जी उस पर ज़्यादा खर्चा नहीं है, वो ज़रा सी इंजीनियरिंग है कि ग्रे वाटर अलग जगह चला जाए और उससे हम प्लांटेशन कर सकें, वो कर रहे हैं। सोलर का ये सारा वो इस्तेमाल है, उन चीज़ों को हम लोग अपने डिज़ाइन में लेकर आए हैं। और कुछ चीज़ें तो सिक्योरिटी से जो पर्टेन करती हैं, सिर्फ फायर एग्जिट सिस्टम है और इस तरह की सब चीज़ें, वो तो ऑब्वियसली कंप्रोमाइजेबल नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ फायर इतना बड़ा रिस्क लगता नहीं है मुझे, लेकिन क्योंकि कॉन्क्रीट है ना तो वुड का इस्तेमाल कम है। सिर्फ जो एक है कि केबल सही डाल लो, बस ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो केबल का होता है। और ये जो एक कल्चरल हमको चीज़ करनी है कि होशियारी नहीं, यानी कि हम लोग अपनी मीटिंग्स में ये बात एक्सप्लिसिटली बोलते हैं कि होशियारी नहीं मारनी है, सीधे तरीके से काम करना है। ये जो पूरी बिल्डिंग बनाते हैं 2 बिलियन की, उसमें 5,00,000 रुपए सेव करेंगे केबल पे कॉम्प्रोमाइज़ करके, बस वो नहीं करें तो वो सही हो जाता। और इसी तरह के प्रैक्टिसेस से ऑब्वियसली कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और मज़ीद जो शोबे के हालात हैं वो भी बदलेंगे। बिल्कुल, जस्ट इजाज़ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कराची के जो मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं उन पे भी कुछ कर लें, जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है कराची कोस्टल बेल्ट के, जो मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं उन पे कुछ गार्डन बन जाए। अच्छा, जी हम मैंग्रोव्स का तो बहुत जो है ऐसा ही एक सिस्टम है नेचुरल, जिसकी वजह से हम बहुत सी क्लाइमेटी से सेफ रह सकते हैं। तो इजाज़ साहब अगर आप कुछ कर सकते हैं तो इनकी रिक्वेस्ट पे आप अमल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है जी,
कि एक तो ये कहना कि काम सही तरीके से करना तो काम नहीं होगा गारंटीड, दूसरा किसी के मैंडेट को इतना बढ़ा दो कि वो कुछ कर ही नहीं सके, तो ये मेरा मैंडेट नहीं है, तो मैं नहीं कर रहा हूं। चलो थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है किसी पैनलिस्ट से तो प्लीज़ यू कैन आस्क इन क्वेश्चन, वी जस्ट हैव 5 मिनट्स मोर, तो उसमें ही कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं जी प्लीज़। अब आपने पहले हैंड रेस किया था, प्लीज़ माइक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरशद अवान है जी, होमिंग प्रॉपर्टीज़ इस्लामाबाद से तल्लक है। मेरे दो क्वेश्चन हैं स्टेट बैंक की टीम के साथ। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउसिंग फाइनेंस के हवाले से आपकी बहुत डिफाइंड प्रोडक्ट हैं, फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट नहीं होती, जैसे नया पाकिस्तान में आई थी तो लोगों को कहा गया था कि इस रेंज में आप अपार्टमेंट ले सकते हैं, इस रेंज में आप घर ले सकते हैं, उसके अलावा कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इवन जो आप डिफाइन करते हैं कमर्शियल बैंक को, उन्हें वही फॉलो करना पड़ता है। मैं सऊदी मार्केट में काम करके आया हूँ, वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, वहाँ पर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता है एक बैंक और उसके बाद लोगों को बताया जाता है कि ये प्रोजेक्ट है, इसमें आके आप फाइनेंसिंग करें। हमने नया पाकिस्तान में देखा कि लोग बेचारे ढूंढ रहे होते थे कहाँ उन्हें अपार्टमेंट मिलेगा इस प्राइस में, कहाँ उन्हें घर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन एस्क्रू अकाउंट का है। मिडल ईस्ट में हर जगह पे एस्क्रू अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में एस्क्रू अकाउंट नहीं है, और हमारे डेवलपर को अगर उस एस्क्रू अकाउंट पे लाया जाए तो जो हमारी पब्लिक की इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत सेफ हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया। वो जो आपने गवर्नमेंट की स्कीम का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का प्रोग्राम था, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्कीम थी, उसके फीचर्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही ने लॉन्च किए थे, उसका स्टेट बैंक की वो स्कीम नहीं थी। तो जैसे ही उसकी फंडिंग जो थी उसमें सब्सिडी का एलिमेंट था, गारंटी कवरेज का एलिमेंट था, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था। एक तो ये क्लेरिफिकेशन हो चाहिए, स्टेट बैंक की स्कीम थी। स्टेट बैंक जो है बेसिकली बींग ए सेंट्रल बैंक रेगुलेटर फैसिलिटेट कर रहा होता है जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं। स्कीम जब बनती है डेफिनेटली स्टेट बैंक से इनपुट लिया जाता है, तो उसमें मुख्तलिफ इनकम लेवल सेगमेंट्स उनकी अफोर्डेबिलिटी देखी जाती है। अगर आप प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा देंगे 5 मिलियन 10 मिलियन पर ले जाएंगे तो ज़ाहिर है कि उसकी इंस्टॉलमेंट भी बढ़ जाती है। तो हमारे यहाँ क्योंकि इनकम सेगमेंट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उसलिए अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए, इनकम की रेशो को देखते हुए ये थोड़े से लिमिट लगाना पड़ती है, वरना क्या होगा कि जो हाई इनकम के लोग हैं वो फैसिलिटी को यूज़ कर लेंगे और वो चले जाएंगे। तो ये एक एलिमेंट था, लेकिन उसमें ज़ाहिर है गवर्नमेंट का अपना बजटरी एलोकेशन होती है, उसके फंडिंग की अरेंजमेंट करना पड़ती है, उसमें इश्यूज़ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपने बात की एस्क्रो अकाउंट की और प्रोजेक्ट्स की, मैं भी सऊदी अरब में सर्व रहा हूँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में ही काम करता था वहाँ पे ऑफलाइन प्रोजेक्ट्स का की प्रोडक्ट है, हमने भी यहाँ 2007 में शुरू की थी। देखिए स्टेट बैंक का काम है मार्केट इनेबलर का, कि अगर मार्केट फेलियर हो रही है उसमें कोई गाइडलाइंस चाहिए, उसमें इंस्ट्रक्शंस चाहिए, वो स्टेट बैंक दे देता है। बाकी जो रिस्क है उसकी प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, उसके डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट, वो कमर्शियल बैंक के एंड पे हो रही होती है, राइट। हम ब्रॉडर एक दे देते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करूं, 2007 में हमने बैंक्स को अलाउ किया कि जी आप किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करें जिसको ऑफलाइन प्रोजेक्ट कहते हैं, और उसको एस्क्रो अकाउंट मेंटेन करेंगे बिल्डर्स का और जो एंड यूज़र है उसका, और बैंक तीनों मिल के उसको रन करेंगे। आप यकीन करें एक भी डेवलपर नहीं आया जो इस पर राज़ी हो। अब उसमें स्टेट बैंक का वो एलिमेंट नहीं था, क्यों? उसमें ये कहा गया था कि जो बिल्डर है, जो प्रोजेक्ट ओनर है, वो अपनी जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, प्लॉट है, उसको वो मॉर्गेज कराएगा, वो उसके लिए मॉर्गेज कराने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि हमने कहा कि जी आपका कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होगा आपने उसकी रेटिंग करवानी है, ताकि बैंक का भी कम्फर्ट हो, उसकी रिस्क मिटिगेशन हो, जो एंड यूज़र उसको भी पता हो कि ये ए रेटेड प्रोजेक्ट है, ये ए रेटेड बिल्डर है, ये बी है, ये सी है, ताकि वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिस्क मिनिमाइज़ कर ले। तो हमारे यहाँ हर बिल्डर हर मोस्टली ये देखा है टैक्स से बचने के लिए सोरूट से और दूसरी रीजंस की वजह से अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर नहीं कराता, अपनी कंपनी को रजिस्टर नहीं कराता, उसकी वजह से उसकी क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं हो रही होती। तो बैंक उनको फाइनेंस नहीं कर रहा कि जी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आप नए नाम के साथ आ जाते हैं हर दफ़ा, राइट।
तो ये मार्केट डेवलपमेंट हमारी उस तरह से नहीं हुई जैसे कि सऊदी अरब में हुई है। स्टेट बैंक ने 2007 से इसकी कोशिश की है कि प्रोजेक्ट रेटिंग हो, डेवलपर की रेटिंग हो, एस्कोर अकाउंट ओपन जाए, उसका मैकेनिज्म भी हमने दिया, लेकिन कोई बिल्डर जब तक कोई अच्छा बिल्डर आए और इसको इम्प्लीमेंट करेगा, 3-4 सक्सेस स्टोरीज होंगी, फिर बाकी बिल्डर्स को एक इंसेंटिव मिलेगा और एंड यूज़र का भी कंफर्ट मिलेगा। अब जितनी भी कैश फ्लो हो रही है या मार्केटिंग हो रही है प्रोजेक्ट की, वो थ्रू अलॉटमेंट होती है या बुकिंग से हो रही होती है कि अपार्टमेंट बुक होते हैं, उससे जो कैश फ्लो होता है उससे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, जिससे डिले हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ रही है। तो ये इश्यूज़ है और इसमें मैं समझता हूँ कि आबाद जो है उनका रोल बड़ा क्रिटिकल है कि वो अपने मेंबर्स को इस तरफ लेके आएँ, अपने बिल्डर्स की रेटिंग कराएँ, प्रोजेक्ट की रेटिंग कराएँ, एस्क्रो अकाउंट ओपन करें, तो उनका जो प्रोजेक्ट 10 साल में कंप्लीट हो रहा है, हो सकता है वो 5 साल में कंप्लीट हो जाए। हम लोग खुद 3-4 प्रोजेक्ट्स लेके गए थे। ऐसा एक शेर याद आता है मुझे पाकिस्तान में, अगर आप अलाउ करेंगे तो, वो बोलते हैं कि इसीलिए तो मेरा गांव दौड़ में हारा, जो भाग सकते थे बैसाखियां बना रहे थे। तो जो पैसा है सारा वो बैंकों के पास है, बैंक ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जिस पर अमल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोडक्ट है, हमें कहा गया कि अपना प्लॉट मॉर्गेज करो, हमने कहा कर दिया। हमें कहा कि एस्क्रो अकाउंट खुलेगा, हमने कहा खोल दिया। हमें कहा कि वो सारे कस्टमर जो आपसे फाइनेंसिंग नहीं ले रहे उनको डिस्क्लोज करो कि हमने फाइनेंसिंग ले रहे, हमने कहा कर दिया। जब तमाम चीज़ें हो गईं तो उन्होंने कहा कि अब आप एक बैंक गारंटी जमा कराएं कि आप इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट कर देंगे। भाई जो ज़मीन थी वो तो मैंने मॉर्गेज कर दी, अब मैं बैंक गारंटी कहाँ से लेकर आऊँगा? तो फिर हमने बैंक गारंटी भी अरेंज कर दी एडिशनल प्रॉपर्टी की, जो कि बिजनेस मॉडल में फिट ही नहीं हो सकती। हमने सिर्फ इसलिए किया कि ये ट्रांजैक्शन हो जाए। उसके बाद आखिर में बैंक हमारे पास आया और वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स, और कहा कि जितनी फाइनेंसिंग हम कस्टमर को करते रहेंगे आप उतनी अमाउंट से हमें बैंक गारंटी देते रहेंगे। यानी थ्योरेटिकली कंप्लीशन से एक दिन पहले मैं अपनी सेल वैल्यू की गारंटी आपको दूंगा आपसे बोरो करने के लिए। यानी मैं बोरो नहीं कर रहा हूँ, बोरो कर रहा है मेरा कस्टमर। फिर उस पर कहा कि कस्टमर ने अगर पेमेंट रोक दी तो आप प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देंगे, हमने कहा कर देंगे। फिर बोला कि वो प्रॉपर्टी आप हमसे खरीद देंगे, उन्होंने बोला खरीद देंगे। यानी जो उन्होंने कहा अपने बीवी बच्चे घर सब हमारे पास जमा करवा दो, हमने कहा कर दिया। उस पर भी वो एक ऐसा तकाजा लेकर आए क्योंकि बैंकों को काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो जितने पैसे बना रहे हैं वो दिमाग ख़राब करने के लिए काफ़ी है। यानी अगर आप हर महीने 2-5 अरब बनाएंगे तो आप काम क्यों करेंगे कि प्लॉट है बनेगा, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप क्यों करेंगे? ये स्टेट बैंक को ये कुछ ऐसा रेगुलेशन लानी पड़ेगी कि ये लोग बैंक अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मार्केट डेवलपमेंट पर खर्च करें। खानदान का एक आदमी बहुत अमीर हो जाए तो वो तकलीफ दे हो जाता है। और जो टैलेंट आ जाता है वो हमारे पास बैठ के सीवी बनाता है कि उसको बैंक में जॉब मिल जाए। तो अच्छी बात है, अगर टैलेंट यूटिलाइज हो रहा है तो कहीं पे भी हो रहा है ना।